और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। क्रूड की कीमतों में फिर से तेजी लौट आई है, क्या है इसकी वजह, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन बताएं कि क्रूड में एक बार फिर से ये जो तेजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अक्रॉस द कमोडिटी मार्केट में आज तेजी दिख रही है, उसी का फायदा यहाँ पर क्रूड को भी मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से नरमी आई है, उससे यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। $104 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया है, 99 के ऊपर WTI क्रूड भी आ गया है। हालांकि ये तेजी टिकाऊ इसलिए नहीं दिखती क्योंकि चीन से मांग को लेकर चिंता लगातार बरकरार है, और हाल में जो बाइडेन की जो ट्रिप थी सऊदी खाड़ी देशों में, उससे उम्मीद ये की जा रही है कि उन देशों की तरफ से, ओपेक मेंबर्स की तरफ से आगे चलकर उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा लीबिया से खबरें की ये आ रही है कि वहाँ बंद पड़े कुछ ऑयल फील्ड को वापस से शुरू किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम खबरें हैं जो ऊपरी स्तरों पर क्रूड पर फिर से दबाव बना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि क्रूड कीमतें जो ऊपरी जो आज तेजी आई है वो टिकाऊ नहीं लगती। आज की तेजी डॉलर इंडेक्स में कमजोरी की वजह से आई है। मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है कि पाम ऑयल की ओवर सप्लाई की खबरें आ रही हैं, ये क्या मामला है और आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये जो ओवर सप्लाई की खबरें आ रही हैं, इसके भारत के लिए क्या मायने होंगे? देखिए, वीकेंड पे ये फैसला आया था इंडोनेशिया की तरफ से, उन्होंने एक्सपोर्ट लेवी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। 31 अगस्त तक वहाँ पर कोई भी एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। $200 प्रति टन का एक्सपोर्ट टैक्स था पाम तेल पर इंडोनेशिया में। अब 1 सितंबर के बाद वापस से विचार करेंगे, उन्होंने एक प्राइस सेट कर रखा है, उस प्राइस के अगर ऊपर भाव जाता है तब ये एक्सपोर्ट टैक्स वापस से 1 सितंबर से लगाए जाएंगे। तब तक बिना एक्सपोर्ट लेवी के ही एक्सपोर्ट किया जाएगा। घरेलू बाजार में इंडोनेशिया जितना पाम तेल की बिक्री करेगा, उसे 7 गुना कोटा उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए दे रखा है। इसके अलावा मलेशिया से भी खबर ये आ रही है कि जुलाई में उनका स्टॉक 21-22% तक बढ़ सकता है। यानी ओवर सप्लाई की स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया में है, और जानकार ये भी बता रहा है कि इंडोनेशिया को अगले कुछ दिनों में 60 लाख टन पाम तेल एक्सपोर्ट करना मजबूरी है। ऐसे में डेफिनेटली भारत के लिए अच्छी खबर है। भले ही आज पाम तेल कीमतों में जबरदस्त तेजी दिख रही हो, रैली दिख रही हो, लेकिन ये तेजी जानकारों को लगता है कि टिकेगी नहीं, और आने वाले दिनों में डेफिनेटली पाम तेल के दाम और नीचे गिरेंगे, और उसका दबाव बाकी खाने के तेल की कीमतों में होंगी, और वो खाने के तेल के दाम वहां पर सस्ती हो सकती हैं। विश्वमोहन, खैर पाम ऑयल के मायने में तो हम बोल सकते हैं कि भारत के लिए अच्छी बात है, लेकिन रुपए की बात अगर करें तो रुपए में लगातार तेज़ी देखने को कमज़ोरी दिख रही है, और आज भी रुपए ने लगभग 79 रुपये और 99 पैसे के रिकॉर्ड को टच किया। अब जो अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि कहाँ तक रुपया टूटेगा, और आखिर एक जो टारगेट अगर मैं जान सकूँ तो वो क्या होगा? ओके, आज शुरुआती दौर में रुपए की चाल एक सीमित दायरे में घूम रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, भारत के इकोनॉमी में जहां पर हम 80-85% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, तो वो चिंता है। इस वजह से क्रूड में तेजी के साथ साथ रुपए में भी कमजोरी बढ़ती गई, और वापस से आज एक नया रिकॉर्ड निचला स्तर हमने देखा 79.99 का, और जानकारों को लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, हालांकि ऑफशोर ट्रेड में ऑलरेडी 80 के ऊपर जा चुका है, और वापस से यहां ट्रेड में 80 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि इंपोर्ट बिल की चिंता लगातार बरकरार है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की चिंता बरकरार है, और जब तक ब्रेंट क्रूड का भाव $100 के ऊपर है, भारत जैसी इकोनॉमी के लिए आसान नहीं है, और लगातार FIIs की बिकवाली हम घरेलू इक्विटी मार्केट में देख रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं, और रुपए को अब अभी तक राहत नहीं मिलती दिख रही है। जी, थैंक यू विश्वमोहन, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने की।